पंडोह डैम में गिरा ट्रक, दो लोगों ने कूदकर बचाई जान, चालक को किया रेस्क्यू। मंगलवार को कुल्लू से मंडी की तरफ आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पंडोह डैम में जा गिरा। यह ट्रक पंडोह डैम वैकल्पिक मार्ग से लगभग 300 मीटर नीचे पुराने नेशनल हाईवे से होकर पंडोह डैम में जा गिरा, जिससे ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त ट्रक में तीन लोग सवार थे, जिसमें से दो ने कूदकर अपनी जान बचाई जबकि चालक को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार ट्रक पनारसा से बिलासपुर की तरफ आ रहा था, जिसे बिलासपुर जिला के साई ब्राह्मणा निवासी 38 वर्षीय चालक चिंतराम चला रहा था। ट्रक में 45 वर्षीय बीरबल बिलासपुर निवासी पहले से ही मौजूद था, जबकि 24 वर्षीय योगराज निवासी कुकलाह, जो कि फोरलेन कंपनी में कार्यरत है, उसने इस ट्रक में लिफ्ट ली थी। जैसे ही ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे की तरफ लुढ़का तो चालक के अलावा दोनों सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। इस दौरान वे दोनों घायल हो गए, जबकि चालक ट्रक सहित डैम के किनारे पर जा गिरा। घटना का पता चलते ही पंडोह पुलिस चौकी व एसडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। कूदकर जान बचाने वाले दोनों लोगों का उपचार मेडिकल कॉलेज नेरचौक में चला है, जबकि ट्रक चालक का क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपचार चल रहा है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी मंडी सौम्या सांबशिवन ने हादसे की पुष्टि की है।